क्लास ट्वेल्थ के बाद डिफेंस ज्वाइन करने के लिए हमें तीन अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, नंबर 1 एनडीए, नंबर 2 इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप और नंबर 3 इंडियन नेवी AASR। लेकिन जो एनडीए होता है उससे हम एज अ ऑफिसर जाते हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स से एज अ एयरमैन और इंडियन नेवी से एज अ सेलर। लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम इंडियन नेवी से एज अ सेलर और इंडियन एयरफोर्स से एज अ एयरमैन हम ऑफिसर भी बन सकते हैं। लेकिन कैसे बन सकते हैं इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी, शायद आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो और क्या पता आपका एक ऑफिसर बनने का सपना भी पूरा हो सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडियन एयरफोर्स से एज अ एयरमैन कैसे ऑफिसर बनेंगे ये डिटेल्स आपको शेयर करूंगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडियन नेवी से एज अ सेलर आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स मैं उस वीडियो के अंदर। ऑफिसर बनने के लिए चार एंट्रीज के थ्रू चांस मिलता है, उनमें सबसे पहली एंट्री है एफकेट एग्जाम एंट्री। एफकेट एग्जाम आप सिविल में रहते हुए भी दे सकते हो, लेकिन एयरफोर्स में एज अ एयरमैन अगर आप इस एग्जाम को देते हो तो इसमें आपको काफी प्रिविलेज मिलता है, यानी काफी छूट मिलती है। दूसरा, एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज अ एयरमैन इस एग्जाम को देते हो तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है मैक्सिमम 36 ईयर। लेकिन एज अ सिविलियन अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हो तो इसमें जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो है 26 ईयर। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप एज अ एयरमैन इस एग्जाम को दे रहे हो तो ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन एज अ सिविलियन आप ग्रेजुएट विद फिजिक्स और मैथ्स होगे तभी आप इस एग्जाम को दे पाओगे। अब रिटन एग्जाम के बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप होता है SSB इंटरव्यू का। अगर आप एज अ एयरमैन SSB इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी प्रिविलेज मिलता है, काफ़ी छूट मिलती है, लेकिन एज अ सिविलियन इसमें भी आपको कोई भी छूट नहीं मिलती। तो अगर आप क्लास 12th के बाद एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो अब आपको ये नहीं सोचना कि मैं एक ऑफिसर नहीं बन सकता हूँ और मुझे ये ज्वाइन नहीं करना। एक्चुअल में सिविलियन के मुकाबले आपको यहाँ एज अ एयरमैन जब आप एफकेट एग्जाम को फेस करोगे तो आपको यहाँ कंपटीशन देखने को बहुत कम मिलता है। अब देखो सेकंड एंट्री, दैट इज ACC एंट्री, आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एज अ एयरमैन, इंडियन नेवी में एज अ सेलर, इंडियन आर्मी में एज अ सोल्जर हैं तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इस एंट्री के थ्रू आर्मी के अंदर एज अ ऑफिसर रैंक पर जाओगे, ना ही नेवी में ना ही एयरफोर्स में। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप SSB इंटरव्यू को फेस करोगे। अगर आप SSB इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हो तो आप आर्मी के अंदर एज अ ऑफिसर जाओगे, ना ही नेवी में ना ही एयरफोर्स में। इसमें कोई भी सिविलियन इस ACC एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलता है। यहाँ जो एज रिलैक्सेशन होता है वो होता है 22-27 ईयर, और यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो होती है 12th पास। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ACC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम आपको 2 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में या इंडियन आर्मी के अंदर जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। अब देखो थर्ड एंट्री, दैट इज CDS एंट्री, यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एंट्री। अगर आप CDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होता, कोई भी स्पेशल छूट नहीं होती। जो एलिजिबल क्राइटेरिया एक सिविलियंस के लिए होता है वही एलिजिबल क्राइटेरिया इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे एक एयरमैन के लिए, इंडियन नेवी में काम कर रहे एक सेलर के लिए और इंडियन आर्मी में काम कर रहे एक सोल्जर के लिए भी होगा। यहाँ जो एज रिलैक्सेशन होता है वो होता है 19-24 ईयर, यानी 19-24 साल। यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है वो होता है ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम। आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, यानी किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन बस आपके पास ग्रेजुएशन होना नेसेसरी है। यहाँ रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप SSB इंटरव्यू को फेस करोगे। जब आप SSB इंटरव्यू को क्वालिफाई करोगे
तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक मेरिट तैयार होगी। उस मेरिट के बेस पर आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर ऑफिसर रैंक पर जाओगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम IMA, INA, AFA किसको अप्लाई किया था। आपने जिसको अप्लाई किया था उसी के अकॉर्डिंग आप उस सेक्शन के अंदर ऑफिसर बनोगे। अब लास्ट एंट्री, दैट इज SEC, सर्विस एंट्री कमीशन। ये एंट्री अपने प्रमोशन पर डिपेंड करती है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एज अ सर्जेंट रैंक पर पहुंच जाते हो तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 34 to 42 ईयर्स, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो होती है 12th पास, और कम से कम 10 साल का आपको सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी इंडियन डिफेंस में। जो सबसे बेस्ट एंट्रीज हैं वो हैं आपकी ACC एंट्री, और सेकंड नंबर पर आती है FCAT एंट्री, और थर्ड नंबर पर आती है CDS एंट्री। अगर आप इन तीनों एंट्रीज के थ्रू ऑफिसर नहीं बन पाते हो तब जाके ये लास्ट एंट्री बचती है, दैट इज SEC, सर्विस एंट्री कमीशन। अगर आपको ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अच्छी और सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की